गोपी जन बल्लभ हरिनाम संकीर्तन की हरे कृष्ण महामंत्र की श्रील प्रभुपाद ट्रांसल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की ताई गौर प्रेमानंदी ऑल ग्लोरिस्ट असेंबल डिबोटीज ऑल ग्लोरिस्ट असेंबल डिबोटीज ऑल ग्लोरिस्ट असेंबल डिबोटीज ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड श्री गौरांग ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम अज्ञानतिमिरंधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः नम ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो रामनवमी के शुभ उपलक्ष पर 9 दिन हम लोग राम कथा यहाँ पर करेंगे और आज प्रथम जो बाल कांड के ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं तो उसमें मुख्य रूप से जो श्रीपाद रामानुजाचार्य शैलापूर्ण के साथ जो वार्तालाप किए उसके संबंध में जो 18 मुख्य शिक्षाएं उन्होंने दी उसके विषय में हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो इसमें पहली शिक्षा वो देते हैं कि भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम रामचंद्र हैं, लॉर्ड विष्णु इन द फॉर्म ऑफ राम इज द सुप्रीम ट्रूथ, ये पहला तत्व है। तो आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप पे आया होगा श्लोक, तो हम लोग वो श्लोक बोलेंगे पहला वाला। प्रायेण पूर्व भागर्थो धर्मशास्त्रेण कथ्यते इतिहास पुराणभ्यम वेदांतर्थ प्रकाश्यते। तो इसमें यह वर्णन किया गया है कि जैमिनी पूर्व मीमांस इत्यादि प्रतिपादन किए धर्मशास्त्रों का और व्यासदेव जी ने वेदांत सूत्र और इतिहास और पुराण इत्यादि हम लोगों को प्रकट किया। तो तैत्तरीय उपनिषद में ये कहा गया है अगला श्लोक, यतो वा इमानि भूतानि जायते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति तद् विजिज्ञासस्व। कि मानव जीवन में हम सभी का कर्तव्य है कि हम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में जिज्ञासा करें, हम सभी के उत्पत्ति के विषय में जिज्ञासा करें, सृष्टि के उत्पत्ति के विषय में जिज्ञासा करें और सभी जीवों का उद्धार कैसे हो, मुक्ति कैसे हो, इसके विषय में हम जिज्ञासा करें। इसलिए रामायण प्रभु रामचंद्र को पूर्ण पुरुषोत्तम के रूप में घोषित करता है। अब श्रीपाद मध्वाचार्य अपने वेदांत सूत्र के भाष्य में बृहत संहिता से एक श्लोक वर्णन करते हैं जिसमें किसी भी ग्रंथ के मूल विषय को समझकर उसका मुख्य उल्लेख किस संबंध में है इसको समझना आसान है। तो साइंस टू डिटरमिन द ओवरऑल मीनिंग, कि अगर कोई ग्रंथ है उसका मूल अर्थ क्या है समझना हो तो इसके 6 लक्षण इसमें बताए गए हैं, यह है बृहत संहिता से श्रीपाद मध्वाचार्य जी बताते हैं। तो यह है 3रा श्लोक हम पढ़ेंगे। उपक्रम उपसंहारो
अभ्यासो पूर्वत फलम्। अर्थवाद अर्थवादोपपत्ति च लिंगम तात्पर्य निर्णये। तो ये छह लक्षण है। पहला उपक्रमा, उपक्रमा अर्थात आरंभ, बिगिनिंग। किसी भी ग्रंथ के आरंभ में जो विषय दिया गया है ये उस ग्रंथ के मूल तत्व का एक परिचायक है। एनी सब्जेक्ट विच इज रेस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ अ लिटरेचर इंडिकेट्स दैट लिटरेचर इज सेंटर्ड अराउंड दैट टॉपिक। तो इसलिए हम देखते हैं कि बाल कांड के ही प्रथम अध्याय के आठवें श्लोक में ये वर्णन आता है, जो कि चौथा श्लोक है। इक्ष्वाकुवंश प्रभवोः रामो नाम जनश्रुतोः नियत आत्म महावीर्य द्युतिमान बशी। तो ये वर्णन किया जा रहा है कि नारद मुनि उत्तर दे रहे हैं आरंभ के श्लोकों में कि वास्तव में इक्ष्वाकु वंश प्रभव रामो नाम जन श्रुतो। इक्ष्वाकु वंश में प्रभु रामचंद्र जी प्रकट हुए और बड़े महावीर्यवान थे, बड़े तेजस्वी थे और सभी देवताओं को उन्होंने वश में किया। अर्थात रामचंद्र के विषय में संक्षिप्त वर्णन आरंभ में किया जा रहा है। तो इसलिए महावीर का तात्पर्य देते हैं परास शक्तिर विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रियाच। वशी शब्द का अर्थ बताते हैं सर्वस्य वशी सर्वस्य ईशानः, जो संपूर्ण ब्रह्मांड के हर जीव को हर तत्व को वश में कर लें। तो द्युतिमान वशी, तो वशी शब्द का अर्थ है कि वो जिनके अंतर्गत संपूर्ण ब्रह्मांड का हर तत्व और हर व्यक्ति जिनके वश में हो, वो कौन है? यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं वो हैं रामचंद्र जी। तो ये हो गया आरंभ में ये श्लोक आ रहा है, इसको कहते हैं उपक्रम। दूसरा चिन्ह है उपसंहारो। उपसंहारो मीन्स कंक्लूजन। रामायण के अंत में अर्थात उत्तर कांड में, जो कि रामायण के सात स्कंद हैं, तो सातवें स्कंद का नाम है उत्तर कांड। तो उत्तर कांड में ये वर्णन आ रहा है कि जो श्लोक क्रमांक पांच, संक्षिप्य च पुरा लोकान् मायया स्वयं एव हि महार्णवे शयानोप्सु मां त्वं पूर्वम् अजी जनः। तो यहाँ पर रुद्र अर्थात ब्रह्मा जी को कोट करते हुए कह रहे हैं रामचंद्र जी को कि ब्रह्मा जी ने भी इस तरह बताया कि आप संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने मायावी शक्ति के अंतर्गत नियंत्रित करते हो और आपने ही ब्रह्मा जी को जन्म दिया। अर्थात प्रपितामह जो ब्रह्मा जी हैं उनके भी सृजन के स्रोत हैं रामचंद्र जी। आगे कहते हैं पद्मे दिव्येर्क शकसे नभ्यम उत्पद्यमामपि प्रजापत्यम त्वया कर्म मयि सर्वं निषित्त्वम्। सभी ब्रह्मांडों के स्रोत भगवान विष्णु हैं और विष्णु न केवल इस सृष्टि के स्रोत हैं लेकिन सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी के भी स्रोत वही विष्णु हैं और वही विष्णु आप हो, रामचंद्र को संबोधित करते वो कह रहे हैं। ये उत्तर कांड में आ रहा है। तो इसको कहते हैं उपसंहार अर्थात किसी भी ग्रंथ के अंत में जो अंतिम निर्णय प्रकट होता है वो भी उस ग्रंथ के
विषय में बड़ी गंभीर चर्चा बताते हैं। तीसरा, उपक्रम उपसंहारो अभ्यासो। अभ्यासों का अर्थ होता है रिपीटेशन, एनी टॉपिक विच इज रिपीटेड इन अ लिटरेचर दैट इंडिकेट्स दैट इज अ मेन थीम। तो भगवान श्री विष्णु ही परम ब्रह्म हैं, जो उपनिषद में बारंबार जिस परम ब्रह्म की चर्चा हुई है वही भगवान विष्णु हैं, ये रामायण में कई कांडों में प्रकट हुआ है। जैसे बाल कांड में एक उदाहरण दिया जाता है कि जब देवतागण प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से, तो उस समय वो भगवान को पूर्ण पुरुषोत्तम और सभी जीवों के आश्रय के स्रोत के रूप में वर्णन करते हैं। श्लोक क्रमांक 7, एतस्मिन् अंतरे विष्णुर् उपजातो महाद्युति शंखचक्र गदा पाणी पीतवास जगतपति। तो आप ही हो प्रभु जो इस संपूर्ण ब्रह्मांड का संरक्षण कर सकते हो शंख चक्र गदा और पद्म को धारण करके, और इसलिए आपका प्राकट्य हम सभी के लिए इस अशुभ परिस्थिति से त्राता बनेगा और शुभ चिन्ह हमारे जीवन में परिलक्षित होंगे। श्लोक क्रमांक 8, त्वं गति परम देव सर्वेषां न परन्तप। हम रावण इत्यादि विभिन्न शत्रुओं के द्वारा पीड़ित हैं और इस पीड़ा से मुक्त करने के लिए केवल आप ही हमारी सहायता कर सकते हो। तो जब रावण का प्रकोप सभी देवताओं को भारी पड़ा तब वो भगवान श्री विष्णु के पास गए और उनसे प्रार्थनाएं की। भगवान श्री विष्णु ने इन देवताओं की प्रार्थना सुनकर ये नहीं कह दिया कि आपने प्रार्थना की तो आपकी समस्या का समाधान मैं चुटकी बजा के कर दूंगा। हाँ, अगर आपके जीवन में कोई समस्या बाधा आए तो आपका अधिकार बनता है कि भगवान के चरणों में प्रार्थना करें, लेकिन भगवान का अधिकार बनता है कि वो आपके उस समस्या के समाधान करने में आपको उनकी सेवा में नियोजित करें। तो भगवान ने देवताओं को स्पष्ट रूप से कह दिया कि मैं अवश्य आपकी सहायता करूंगा, लेकिन आपको भी कुछ कसरत करनी होगी और आप अभी अपना देवता स्वरूप को लेकर देवता और देवताओं से उत्प्रेरित देवताओं से संबंधित जो शक्ति ऐश्वर्य शौर्य प्रदर्शन इत्यादि साथ में रखते हुए भी आप रावण को समाप्त नहीं कर पाए। योर आइडेंटिटी एज अ डेमी गॉड कुड नॉट सॉल्व योर प्रॉब्लम। इफ इट कुड सॉल्व योर प्रॉब्लम व्हाई यू विल कम टू मी। अगर आपके देवता होने का अभिमान और देवताओं के साथ जो शक्ति समृद्धि ऐश्वर्य कला इत्यादि कूट कूट के आप सभी के भुजाओं में भरी हुई है, अगर उससे आप इस रावण के 10 सरों को फोड़ सकते थे तो आप मेरे सामने तो मस्तक झुकाने नहीं आते। अर्थात ये सिद्ध हो गया कि आपका देवता का अभिमान निष्क्रिय है और इसका कोई यहाँ लाभ नहीं, इसलिए आप अपने देव अभिमान को छोड़कर दास अभिमान स्वीकार करो और दास अभिमान प्रदर्शित करने के लिए आप वानरों का रूप धारण करो। तो वो कह सकते, अरे ये क्या, ये तो हमारे लिए बड़ी लोक लज्जा की बात है, इतने बड़े देवता अब वानर बनेंगे, ये कैसे हो सकता है, और इतनी बड़ी बड़ी पूंछ लेकर हम घूमेंगे वानर की तरह। तो भगवान यही कहना चाहते हैं कि देखिए, जब हमारी सेवा में लगो तो हम जो अपेक्षा आपसे करें वैसा आप कीजिए, सहायक बनिए और फिर देखिए कैसे हम समस्या का समाधान करते हैं। तो इसलिए संघर्ष तो जीवन में है, लेकिन भगवान के साथ जुड़कर जब हम संघर्ष करें तब उस संघर्ष में हमें अपने
रखना है, ये महत्वपूर्ण है। अब फिर आगे ये भी कहते हैं श्लोक क्रमांक 9 में कि विष्णु सभी के द्वारा प्रार्थनीय भगवान हैं। ततो देव ऋषि गंधर्व सरुद्र सप्सरो गण स्तुति भीर देव्य रूपाभिस् तुस्तोर मधुसूदनम्। कि चाहे देवता वो अपने सभी सभी दिव्य रूपों को लेकर वास्तविक रूप से सौंदर्यशाली तब बनते हैं जब वो भगवान मधुसूदन की स्तुति करें, अपने अहंकार की स्तुति नहीं। तो इसलिए वानर दिखने में कुरूप लगते होंगे लोक की दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से। सामाजिक दृष्टि से वानर के स्वरूप को सौंदर्यशाली नहीं कहा जाता, लेकिन भगवान कह रहे हैं कि रामायण का मूल अर्थ ही है कि मैं सौंदर्य की परिभाषा को पलटना चाहता हूं। सुंदर कौन है? राम, चाहे वो बंदर क्यों ना हो। तो इसलिए सुंदर कौन और बंदर कौन, इसके विषय में हमारे तथाकथित तात्कालिक जो परिभाषा है उसको भगवान चूर करना चाहते हैं। तो इसलिए सबसे पहले बालकांड में यही चर्चा हो रही है। भगवान करे, मैं जानता हूँ आप समस्याओं के पहाड़ को लांघना चाहते हो, लेकिन आप विचार करो कि आपको करना क्या है। और समाज और दुनिया चाहे कुछ भी बोले, आपको सबसे पहले मेरे साथ संबंध जोड़ने से पूर्व ये संकल्प करना है, ये विचार करना है कि आप किसकी दृष्टिकोण में सुंदर बनना चाहते हो, समाज के दृष्टिकोण में, जगत के दृष्टिकोण में, या हमारे दृष्टिकोण में। तो इसलिए ये एक सुंदर तत्व यहाँ बालकांड में प्रकट होते हैं। आगे विश्वामित्र मुनि जब दशरथ महाराज के राजसभा में हैं बालकांड में, उस समय विश्वामित्र मुनि भी जब दशरथ महाराज ने तो बड़े उत्साह के साथ प्रस्ताव दे दिया कि जो मांगना है मांगो। उनको लगा तो हम तो इतने बड़े ऐश्वर्यशाली व्यक्ति हैं, ये जो मांगेंगे हम पूर्ण कर देंगे। कभी अपेक्षा नहीं कि विश्वामित्र मुनि सीधा रामचंद्र को ही मांग लेंगे। तो जैसे ही विश्वामित्र मुनि ने रामचंद्र कहा तो दशरथ महाराज घबरा गए और बोले, ये तो रामो राजीव लोचन, ये तो कमल नयन वाले राम हैं, अर्थात जैसे संध्या होती है, जैसे कमल की पंखुड़ियाँ बंद होती है, वैसे इसके नेत्र भी बंद हो जाते हैं, बेचारा सो जाता है। और निशाचरों के साथ युद्ध करना हो तो निशाचर तो जागते ही रात को, तो फिर इनको अभ्यास ही नहीं है रात्रि के समय जागृत रहने का, ये युद्ध कैसे करेंगे। इसलिए मैं दशरथ, जो कि 60,000 वर्षों से केवल एक ही धंधा किया हूँ लड़ने का, और मेरे पास बहुत बड़ी सेना है, मैं आपकी सहायता करूँगा। ये बच्चा है, इसको छोड़ दो, ये बालक है, ये शिशु है, ये बलहीन है। तो जब विश्वामित्र मुनि इस बात को सुनते हैं तो बड़े व्यंग के स्वर में वो दशरथ महाराज को ये श्लोक कहते हैं कि आप इस रामचंद्र को बालक कहते हो, आप जानते नहीं क्या, यही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, अपने केवल शक्ति की एक अंश से पूरे ब्रह्मांड को नचा रहे हैं। और फिर आगे कहते हैं, अहम वेद्मि महात्मानम् रामं सत्यपराक्रमं वशिष्ठोपि महातेजा य अमे तपसि स्थितः। तो कहते हैं अहम वेद्मि, हम जानते हैं कि ये राम कौन है, सत्य पराक्रमम, ये सत्य और पराक्रमी है, जो कुछ पराक्रम प्रदर्शित करते हैं वो सत्य हो जाता है। और आपको लगता होगा कि केवल मैं अपने इस लक्ष्य को सिद्ध करने के लिए और इन असुरों का दमन करने के लिए बारंबार इस तरह आग्रह कर रहा हूँ, लेकिन ये मेरा मत नहीं,
पूरा ब्रह्मांड इस बात को जानता है कि मेरा सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी कौन है, वशिष्ठ है। हम लोग दोनों सांप और नेवले की तरह हैं, हम लोग दोनों का कभी एक दूसरे के साथ कभी मत जमा ही नहीं। अगर वो पूरब तो मैं पश्चिम, तो ऐसा जन्मजात जिसके साथ मतभेद है लेकिन राम के तत्व को लेकर हम लोग एक मत हैं। वशिष्ठोपि, ये सामने ही बैठे हुए हैं वशिष्ठ ऋषि, उनसे आप प्रश्न कर लीजिए कि उनके दृष्टिकोण में रामचंद्र कौन है। वशिष्ठोपि महातेज य इमे तपसि स्थित। तो वशिष्ठ ऋषि जो बोलेंगे वो तो आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा, आपके कुल गुरु हैं। तो इस तरह से रामचंद्र को भगवान के रूप में घोषित करते हुए वो वशिष्ठ ऋषि को भी आह्वान करते हैं। आगे वो कह रहे हैं अगले श्लोक में कि बिना तपस्या के भगवान को हम नहीं समझ सकते। 11वां श्लोक, वेदाहमेतं पुरुषं महंतम्। तो ये श्वेतस्वतर उपनिषद में भी कहा गया है कि भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम हैं। फिर जब सीता देवी के साथ विवाह हुआ तो उस समय भी विश्वामित्र मुनि भरी सभा में प्रभु रामचंद्र के विषय में कहते हैं कि ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु हैं और ब्रह्मा जी, सभी ऋषि मुनि, मारीच, कश्यप इत्यादि के स्रोत यही रहे। फिर जब विवाह के पश्चात जब सीता और राम का विवाह हुआ तब उस समय विश्वामित्र मुनि वहाँ पहुँचे और महेश चाप को उठाने में हजारों की संख्या में क्षत्रिय असमर्थ रहे थे। उस समय विश्वामित्र मुनि ने रामचंद्र को कहा कि वत्स राम धनुर्पश्य, बेटा जाकर इस धनुष को देखो। तो रामचंद्र जी गए और उस समय रामचंद्र जी की आयु 12 वर्ष की थी, सीता देवी की आयु 6 वर्ष की थी और देखने में कोमल भुजाएं लग रही थी। किसी ने विचार नहीं किया कि ये उठा पाएंगे और विश्वामित्र मुनि ने रामचंद्र जी को कहा कि आप इस धनुष को देखो, लेकिन रामचंद्र जी उस आदेश के पीछे जो मूल अर्थ है उसको समझकर उन्होंने उस धनुष को उठाया और अपनी बलिष्ठ भुजाओं से उसको क्षण भर में समाप्त कर दिया। उसके दो टुकड़े हुए तो इतनी ऊंची ध्वनि आई कि तीनों लोकों के सभी जीव अचेत कुछ समय के लिए जो है धरती पर गिर गए। और उसको देखकर जो जनक महाराज बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि उनके मन में बड़ी दुविधा थी, बड़ी शंका थी कि सीता देवी का विवाह किस प्रकार होगा। और जैसे ही धनुष को तोड़कर जब रामचंद्र जी ने उसे नीचे रख दिया, वो चल के चलने लगे विश्वामित्र मुनि की ओर, तभी उन्होंने अपने नेत्रों के कनखियों से देखा कि वहां सीता देवी अपने हाथ में वरमाला लेके आ रही है। तो रामचंद्र जी सीता देवी को देखकर कुछ भ्रमित हो गए और विश्वामित्र मुनि की ओर देखकर कहते हैं कि आपने तो मुझे धनुष देखने के लिए आदेश किया था, ये विवाह का प्रस्ताव तो था ही नहीं, तो ये कहां से आ गया। तो रामचंद्र जी ने जनक महाराज और सभी को देखकर कहा कि मेरे कर्तव्य के अंतर्गत और मेरे आदेश की सीमा के अंतर्गत केवल धनुष को तोड़ना था, उसके आगे अगर विवाह करना हो तो उसके लिए मुझे फिर आशीर्वाद और आदेश लगेगा। अर्थात रामचंद्र जी सभी आदेशों के सीमा में कार्य करने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे और तब फिर दशरथ महाराज और दोनों परिवारों ने मिलकर विचार किया, तब रामचंद्र जी विवाह के लिए तैयार हुए। और तब वर्णन आता है कि जब सीता देवी अपने हाथ में वरमाला लेकर रामचंद्र जी के सामने खड़ी थी, रामचंद्र जी भी अपने हाथ में वरमाला लेकर सीता देवी के सामने खड़े थे,
तो जनक महाराज को लग रहा था कि रामचंद्र जी को लगता होगा कि मैं सबसे सौंदर्यशाली हूं, लेकिन वो भी समझे कि मेरी बेटी भी कम नहीं। तो जनक महाराज कहते हैं, अयम सीता मम सुता, ये सीता है मेरी बेटी। अर्थात कहना चाहते हैं ये भी कोई कम नहीं है। आपको लगता होगा कि आपके इस रूप के तेज को, सौंदर्य को कौन पराजित करे, अंत में कोई तो आ गया है, देखो इनको। दूसरा, दशरथ महाराज के मन में, जनक महाराज के मन में यह शंका थी कि रामचंद्र जी ने जिस क्षण सीता देवी को प्रथम बार देखा, सीता देवी को देखने के पश्चात वो सीता के मोह में, उनके सौंदर्य के मोह में इतने उत्तेजित हो गए और इतने वश में आ गए कि जिस दिशा में जिस स्त्री के मुख को देख रहे हैं उनको सीता ही दिख रही है। तो इसलिए जनक महाराज को भय था कि क्योंकि रामचंद्र इस प्रकार सीता के आवेश में थे, किसी भी स्त्री को देखकर सीता मानकर कहीं उनके गले में न डाल दे। और इतना कष्ट करने के बाद यहां तक मामला आया है, कहीं अंत में बिगड़ ना जाए, इसलिए कह रहे यहां वहां नहीं, मम सुता, ये जो खड़ी है हार यहीं डालना, संकेत कर रहे हैं। फिर सीता देवी खड़ी हैं। अब फिर एक समस्या खड़ी हुई कि रामचंद्र जी का आकार कुछ बड़ा था, रामचंद्र जी लंबे थे, सीता देवी वहां तक पहुंच नहीं पा रही थी, रामचंद्र जी भी क्षत्रिय हैं, झुकना आसान नहीं। तो अब सीता देवी खड़ी हैं, रामचंद्र भी खड़े हैं। अब जनक महाराज के मन में फिर शंका कि अब यहाँ तक आने के बाद ये हाइट डिफरेंस के कारण बिगड़ न जाए, प्रॉब्लम है। तो लक्ष्मण जी इस बात को समझ गए। लक्ष्मण तुरंत जाते हैं, रामचंद्र जी के चरणों को पकड़कर प्रणाम करने लगते हैं। रामचंद्र जी झुकते हैं, जैसे ही रामचंद्र जी झुकते हैं सीता देवी हार पहनाती है और सीता राम का विवाह संपन्न होता है। तो यहाँ पर विवाह के पश्चात सबको लगा कि बस सारी समस्या समाप्त हो गई, लेकिन जैसे ही लौट के आ रहे हैं परशुराम जी उनको चुनौती देते हैं। तो जब परशुराम चुनौती देते हैं तब रामचंद्र जी अपना बाण चलाकर उनको पराजित करते हैं, विष्णु का चाप, और तब परशुराम जी घोषित करते हैं जो कि श्लोक क्रमांक 12 में है, अधिकम मेनि रे विष्णु देव देव शार्षिगणस्तदा। तो कह रहे हैं कि ये भगवान श्री विष्णु ही सभी देवताओं में श्रेष्ठ हैं। तो इस तरह से अलग अलग कांडों में भगवान श्री विष्णु को पूर्ण पुरुषोत्तम के रूप में घोषित किया गया है। तो इसको यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं अभ्यासो, अर्थात रिपीटिशन। फिर चौथा आता है अपूर्वता। अपूर्वता अर्थात नॉवेल्टी, नॉवेल्टी अर्थात एन अंडरस्टैंडिंग दैट कैन कम फ्रॉम नो अदर सोर्स ऑफ वैलिड नॉलेज, अन्य किसी भी स्रोत से जिस ज्ञान को स्वीकार न किया जा सके। तो भगवान श्री विष्णु को अन्य किसी स्रोत से नहीं समझा जा सकता सिवाय शब्द ब्रह्म से, शास्त्र से। पांचवा है रिजल्ट या फलम। भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में समर्पित होने का फल क्या है? उनके धाम की प्राप्ति, अटेनमेंट ऑफ हिज अबोड। और अंत में भी हम देखते हैं कि सारे अयोध्यावासी पूरी तरह मुक्त हो जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर हम देख रहे हैं किस तरह प्रभु रामचंद्र जी सभी जीवों के विशेष प्रेम को स्वीकार करके उन सभी को वैकुंठ की गति अंत में प्रदान करते हैं। तो यहाँ हम आगे देखते हैं, ये जो श्लोक आता है जब
क्रोध में आकर विभीषण रावण को समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो यहाँ पर यह श्लोक आ रहा है, अपने हाँ, तो ये हो गया फल। तो आगे चलते हैं छठा, जो कि प्रेज एंड लॉजिकल रीजन। प्रेज और लॉजिकल रीजन का अर्थ क्या है कि अलग अलग तर्क वितर्क करने के पश्चात जो वास्तविक निष्कर्ष प्रकट हो, इसको बताया गया है रामायण में कि बारंबार सभी जो भक्तगण हैं, जो प्रभु रामचंद्र जी के शक्ति की बारंबार स्तुति कर रहे हैं। श्लोक क्रमांक 24 देखते हैं, जब जटायु का उद्धार किया प्रभु रामचंद्र जी ने, तो सामान्य व्यक्ति को ऐसा लगता है कि ये मानव हैं, मनुष्य हैं, लेकिन वो अपनी भगवत्ता को प्रकट करते हुए जब कई चीज़ व्यक्त करते हैं, वो यहाँ पर वर्णन आया है कि बीच बीच में भगवत्ता का वर्णन, वो किसी भी जीव को भगवत धाम लेके जाने की शक्ति कोई सामान्य व्यक्ति की नहीं। प्रभु रामचंद्र जी ने जटायु को स्वयं अपनी इच्छा से वैकुंठ का गमन कराया। या गतिर यज्ञ शीलानाम आहितग्नेश्च या गति अपरवर्तिनम यच यच भूमि प्रदायिनम मया त्वं समनुज्ञातो गच्छ लोकान् अनुत्तमम् गृद्र राजा महासत्व संस्कृतश्च मया ब्रज। तो प्रभु रामचंद्र जी ने जटायु को ऐसे धाम में भेजा जहां से पुनर इस जगत में कोई भी व्यक्ति लौट के नहीं आ सकता। तो रामचंद्र जी जटायु का अंतिम संस्कार करते हुए ये वर्णन कर रहे हैं, मया त्वं समनुज्ञातो गच्छ लोकान् अनुत्तमम्, आप मेरे भाई के समान हो और मैं अपने भाई को वैकुंठ धाम भेज रहा हूँ। अनुत्तमान, वो लोक जो इस जगत के लोक से परे हो। गृद्र राजा महासत्व संस्कृतश्च मयाव्रज, किसी को ये नहीं मानना चाहिए कि ये कोई गिद्ध है, ये गिद्ध नहीं, ये मेरा अनुज है और मैं संस्कृतश्च स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान इसका संस्कार कर रहे हैं, अंतिम संस्कार करके मैं इन्हें भगवत धाम भेजूंगा। सफलता और विफलता की परिभाषा को भी प्रभु रामचंद्र जी पूरी तरह पलट देते हैं। अपने प्रयास में, रावण को हराने में, पराजित करने में, सीता देवी को बचाने में जटायु विफल रहे, लेकिन जटायु का प्रयास था, जटायु की इच्छा थी, जटायु के मन के हृदय का भाव था कि वो रामचंद्र जी के संरक्षण में सीता देवी की सहायता करे। तो प्रभु रामचंद्र जी जटायु के मन की उस इच्छा को भांप कर, अभिलाषा को स्वीकार करके, उस अभिलाषा के आधार पर उन्हें वैकुंठ भेजा। तो इसलिए भक्ति का अर्थ है कि हम किन अभिलाषाओं के साथ सेवा करें, और यदि भगवान हमारे उन शुद्ध अभिलाषाओं से प्रभावित होकर हमें अंगीकार करते हैं, स्वीकार करते हैं, ये हमारे जीवन की सफलता है। तो इसलिए यहाँ पर प्रभु रामचंद्र जी की स्तुति हो रही है कि हृदय के अंतरंग और सबसे
अंतःकरण के भाव को समझने का सामर्थ्य केवल परमात्मा का है, भगवान का है। इस जगत का कोई सामान्य स्वामी हमारे हृदय के अंतःतम भावों को नहीं समझ सकता। तो ये 6 विभिन्न प्रकारों से ये वर्णन किया गया है कि किस प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। तो ये है पहला टॉपिक रामायण का, कि भगवान रामचंद्र श्री विष्णु परम सत्य हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम हैं। दूसरा विषय रामायण का है कि इस भगवान को कौन से मार्ग से प्राप्त किया जा सकता है, बाय व्हाट मीन्स कैन ही बी अटेंड। तो पहला है संबंध ज्ञान, दूसरा है अभिधेय। तो अभिधेय क्या है? शरणागति। तो ये शरणागति किस प्रकार प्राप्त की जाती है, इसका यहाँ पर वर्णन जो कि प्रसिद्ध श्लोक 27वें श्लोक में हम देखेंगे, इसमें वर्णन आ रहा है। यो ब्रह्माणं विदधति पूर्वं यो वै वेदांश्च वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं ह देवम् आत्मबुद्धि प्रकाशम् मुमुक्षुर्वै शरणम् अहम् प्रपद्ये। I desire liberation, मैं मुमुक्षु हूँ, मुक्ति का आकांक्षी हूँ। तो क्या करना चाहिए? Let me surrender to Supreme Lord, मैं भगवान के चरणों में शरणागत होता हूँ। क्यों? क्योंकि उन्होंने ही सर्वप्रथम ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, ब्रह्मा जी के हृदय में। इसीलिए इस अखिल ब्रह्मांड के हर जीव ब्रह्मा जी से लेकर हर जीव को ज्ञान देने का सामर्थ्य और शक्ति वो भगवान के अंतर है, और उनके पास जाकर ही मैं आश्रय स्वीकार करूँगा। तो इसलिए वाल्मीकि जी इस शरणागति को हर प्रकार के फल और हर प्रकार के साधन के लिए हम सभी के समक्ष वर्णन कर रहे हैं, ठीक है। तो मुख्य यहाँ पर आता है कि शरणागति लेनी है, स्वीकार करनी है, लेकिन किसकी शरणागति स्वीकार करनी है, हुम शुड बी सरेंडर टू, उसके 2 लक्षण बताते हैं। पहला कैपेबिलिटी, ऐसे व्यक्ति का आश्रय लेना है जिसके अंदर सामर्थ्य हो, फल देने का सामर्थ्य हो, शक्ति हो, वन हु इज केपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग रिजल्ट्स। और दूसरा ही मस्ट बी कंपैशनेट, उनके अंदर एक औदार्य भाव हो, वो वास्तव में हमारी इच्छा पूर्ण करने के न केवल सामर्थ्य रखे लेकिन इच्छा भी रखे। सो व्हाट आर द 2 क्वालिफिकेशंस ऑफ वन हूज शेल्टर वन शुड टेक? कैपेबिलिटी एंड कंपैशन। तो इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि मटीरियल वर्ल्ड इज टेकन चार्ज इनडायरेक्टली बाय कृष्णा, बट द सरेंडर डिवोटी इज टेकन चार्ज डायरेक्टली बाय कृष्णा। तो कृष्णा इज इन चार्ज, कृष्णा ही संपूर्ण जगत के नियंत्रण कर रहे हैं, लेकिन भौतिक जगत का नियंत्रण भगवान अपने गुणावतारों के माध्यम से कर रहे हैं। अपने शरणागत भक्तों का भगवान अपने स्वयं इच्छा के अनुसार अपने अंतरंग शक्ति के अंतर्गत स्वीकार करते हैं। तो इसलिए वैष्णव सत्संग में भगवान की शरणागति स्वीकार करना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, एक बहुत बड़ा सौभाग्य है, क्योंकि हम भगवान के जो परोक्ष माध्यम को छोड़कर प्रत्यक्ष भगवान के अंतर्गत आ जाते हैं। When we become devotee, we come directly under Krishna's charge as against indirectly through the material energy. तो इसलिए ये वर्णन किया गया है। तो अब रामायण में शरणागति के
कई उदाहरण दिए गए हैं, और सबसे पहले हम लोग उदाहरण देते हैं शरणागति के। देवताओं ने रामचंद्र जी का आश्रय लिया, द डेमिगॉड सरेंडर टू विष्णु, और भगवान विष्णु भी प्रसन्न हो जाते हैं कि भाई जो मेरी शरणागति ले रहे हैं उनको आश्रय देने का मुझे बड़ा अच्छा अवसर प्राप्त हुआ है। तो इसलिए यहाँ पर श्लोक क्रमांक 29 में देखते हैं, ये बालकांड का श्लोक है। एतस्मिन् अंतरे विष्णु उपायातो महाद्युति शंखचक्र गदा पाणिर् पीतवासा जगत्पति। तो भगवान श्री विष्णु बड़े प्रसन्न हुए कि हाँ भाई ये देवतागण सही स्थान पर आ गए हैं। और भगवान यहाँ पर वर्णन किए जा रहे हैं महातेजस्वी स्वरूप में बड़े प्रसन्न हो रहे हैं कि हाँ ये लोगों ने सही स्थान पर सही समय पर मेरा आश्रय लिया, और मैं अपने चार भुजाओं में शंख चक्र गदा और पद्म अपने हाथ में लेके ही चल रहा हूँ, शरणागत वत्सल हूँ। लेकिन कोई शरणागति स्वीकार करे इसकी प्रतीक्षा करता रहता हूँ। फिर आगे एक श्लोक आता है, श्लोक क्रमांक 30, कि जब देवतागण ब्रह्मा जी शिव जी इत्यादि भगवान से क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि कृपा करके आप हम सभी के लिए रावण का वध करके रखें, तो ये शरणागति का एक और उदाहरण है। भगवान पूछ रहे हैं कि चाहते क्या हो मुझसे, तो कह रहे हैं वदार्थम वयम आयातस तस्य वै मुनिभिः सह सिद्ध गंधर्व यक्षश्च ततस्त्वं शरणं गतः। वदार्थम अर्थात 33 कोटि देवता, सारे ऋषि मुनिगण, सिद्ध गंधर्व यक्ष, हम सभी अपनी अपनी शक्तियों को एकत्रित करके हम सभी अपने विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्रों को भी सम्मिलित करके हम सभी अपने संपूर्ण समस्त सेनाओं को विभिन्न प्रकार के सिद्धियों को सभी को एकत्रित करके भी इस दशानन का बाल बांका नहीं कर पा रहे। अर्थात हम अपनी पराजय स्वीकार करते हैं, अपनी शक्ति की असमर्थता स्वीकार करते हैं, और आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप ही इसका समापन करो, वध करो। अर्थात सारे देवतागण कैसे रामचंद्र जी के सामने मस्तक झुका रहे हैं और शरणागति स्वीकार कर रहे हैं, ये इसका एक सुंदर उदाहरण है। फिर बालकांड में एक और शरणागति का उदाहरण आता है कि जब त्रिशंकु के मन में इच्छा होती है कि वो कुछ पद को प्राप्त करे, सभी मना करते हैं लेकिन विश्वामित्र कहते हैं कि नहीं, हम आपको स्वर्ग लोक में जाने का अधिकार देंगे। तो फिर यहां से विश्वामित्र मुनि त्रिशंकु को ऊपर भेजते हैं, इंद्रदेव वहां से उसको रोकते हैं और बीच में वो लटक जाते हैं त्रिशंकु। तो उस समय ये वर्णन आ रहा है कि भगवान उस परिस्थिति में हस्ताक्षेप करके उनको अपना एक स्थान देते हैं जिससे समस्या का समाधान हो सके। और इस प्रकार न केवल भगवान लेकिन केवल विश्वामित्र मुनि जैसे किसी मुनि के भी आश्रय को अगर किसी ने स्वीकार किया तो त्रिशंकु की इच्छा पूर्ण हुई, क्योंकि विश्वामित्र मुनि के अंदर ये दो गुण थे। उन्होंने अपने आश्रय में आए हुए त्रिशंकु के प्रति कृपा दिखाई, ही हैड कंपैशन फॉर हिम, और विश्वामित्र मुनि के अंदर शक्ति और सामर्थ्य थी कि वो एक अलग लोक भी बना दे, सामर्थ्य भी था।
तो ही हैड बोथ द कैपेबिलिटी एंड कंपैशन, और इसलिए शरणागति सफल हुई। उसी प्रकार आगे हम देखते हैं श्लोक क्रमांक 31 में कि जब सीता देवी के चरणों में लक्ष्मण जी प्रार्थना करते हैं, रामचंद्र जी को वनवास घोषित हो गया है, और उस समय लक्ष्मण की बड़ी इच्छा है कि वो भी चलें। रामचंद्र जी ने स्वीकार सीता देवी को स्वीकार कर लिया, आप मेरे साथ चल सकते हो। अब लक्ष्मण आग्रह कर रहे हैं, लेकिन लक्ष्मण जब आग्रह कर रहे हैं उनकी दृष्टि किस दिशा में है, इस श्लोक में इसका वर्णन है। सभ्रातुश्चरणो गाढ़ं निपीड्य रघुनंदन सीताम उवाच अतियास राघवं च महाव्रतम्। तो लक्ष्मण यहाँ पर सीता देवी की ओर संकेत करते हुए प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं कि जब तक सीता देवी मुझे आश्रय नहीं दे, प्रभु रामचंद्र जी मुझे स्वीकार नहीं करेंगे। तो इस प्रकार ये वर्णन आ रहा है। और तब क्योंकि सीता देवी का आश्रय लिया, लक्ष्मण की शरणागति सफल हुई। फिर भरत महाराज रामचंद्र जी से चित्रकूट में प्रार्थना कर रहे हैं, ये हम देख रहे हैं श्लोक क्रमांक 32 में। भरत महाराज की इच्छा है कि रामचंद्र अयोध्या के नरेश बने, और वो बारंबार आग्रह कर रहे हैं। जब रामचंद्र मना करते हैं तो बड़े कठोर शब्दों में अपना संकल्प प्रस्तुत करते हुए भरत महाराज ये श्लोक कहते हैं, 32वां श्लोक। शेष्य पुरस्ता छलाय यावन्न प्रतियास्यति। वो कहते हैं कि मैं किसी कुटिया के सामने लेटा रहूंगा, आग्रह करता रहूंगा जब तक रामचंद्र जी लौट के नहीं जाएंगे। जब तक आप चलोगे नहीं, मैं यहीं लेटा रहूंगा। तब उनके उस भाव को देखकर रामचंद्र जी स्वयं तो गए नहीं, लेकिन रामचंद्र जी ने अपने चरणों को और चरणों पर जो पादुका थी वो पादुका उनको प्रदान कर दी, क्योंकि रामचंद्र जी अब भरत महाराज के इस आग्रह को देखकर दुविधा में थे, क्योंकि दो शरणागत भक्तों के प्रार्थनाओं के बीच रामचंद्र जी के मन में द्वंद्व चल रहा था। भरत महाराज कह रहे थे अयोध्या नरेश बनो, देवताओं ने कहा था रावण का वध करो। तो जब दो भक्त एक साथ आकर भगवान के सामने, विग्रहों के सामने जब प्रार्थना करे, तो हम लोग तो भ्रमित हो जाते हैं कि दो लोग बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्टरी प्रार्थना करें कि दोनों की इच्छा कैसी पूरी करें, लेकिन भगवान वो कर पाते हैं, है कि नहीं। एक प्रार्थना कर रहा है कि सेवा जल्दी पूरी हो, दूसरा प्रार्थना कर रहा है सेवा से मुक्त करो, तो भगवान करे तो क्या करे। दोनों बिल्कुल अलग अलग प्रार्थनाएं हैं। तो यहां देवताओं ने कहा कि भैया रावण का वध करो, और भरत महाराज कह रहे आगे मत बढ़ो, लौट के चलो। तब उन्होंने विचार किया, चलो कोई बात नहीं, पादुका हम दे देते हैं। तो पादुका दे दिया, तो इसलिए भरत महाराज की इच्छा पूरी तरह नहीं, लेकिन कुछ मात्रा में पूर्ण हुई। इस तरह से आगे दंडकारण्य में जब प्रभु रामचंद्र गए, तब हम देखते हैं दंडकारण्य के ऋषि मुनियों की प्रार्थना, श्लोक क्रमांक 33। ते वयम भावकारक्ष भवद्विषयवासिन नगरस्थो वनस्थो वा त्वं नो राजा जनेश्वर। वो कह रहे हैं कि इतने सारे आतताई हम पर आक्रमण कर रहे हैं इस वन में, प्रभो भले हम अयोध्या के अंदर न हो, हम दूर किसी वन में हो, दंडक वन में हैं, लेकिन आप हम सभी के राजा हो, तो इसलिए नगरस्थो वनस्थो वा
तो अमनो राजा जनेश्वर, आप ये नहीं कह सकते आप हमारे जो है आश्रित व्यक्ति नहीं हो, आप हमारे जनता नहीं हो, नहीं, आप जनेश्वर हो, हर जीव के आप स्वामी हो, आपका कर्तव्य बनता है हम शरणागत भक्तों की सेवा करने, रक्षण देने, है कि नहीं। फिर अगला प्रसंग आता है कि यही ऋषि मुनिगण आगे चलकर जब प्रभु रामचंद्र जी किष्किंधा कांड में, सुंदर कांड में जब दर दर भटक रहे हैं, किष्किंधा कांड से फिर जब प्रभु रामचंद्र जी ऋषि मुनियों के सामने आते हैं, तो सुंदर कांड में ये श्लोक आता है कि ये सारे ऋषि मुनिगण प्रभु को प्रणाम करते हुए वर्णन कर रहे हैं कि कैसे इंद्र के पुत्र जयंत ने एक कौवे का रूप धारण करके जब सीता देवी के ऊपर आक्रमण किया, तब प्रभु रामचंद्र जी ने उस जयंत के ऊपर एक तृण को ब्रह्मास्त्र के रूप में फेंक दिया और वो तृण पूरे ब्रह्मांड में उसका पीछा करके सारे देवताओं के सामने नतमस्तक होकर जब जयंत को समझ में आया कि मुझे कोई संरक्षण नहीं दे सकता, फिर वो रामचंद्र के पास आए। जब वो रामचंद्र जी के पास आए, अब तब सीता देवी की ओर रामचंद्र जी ने संकेत किया, तब सीता की शरणागति लेने पर जयंत को भगवान रामचंद्र जी ने उनके जीवन को दान दिया। तो इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि वास्तव में तीनों लोकों में उस जयंत को उनके माता पिता ने, अर्थात इंद्र के पास गए जयंत, इंद्र ने कहा, अरे भाई इंद्र ने देखा जयंत के पीछे क्या है, ब्रह्मास्त्र को देखा कि भाई रामचंद्र जी ने भेजा हो ब्रह्मास्त्र, अमोघ अस्त्र को देखकर बोल दिया, अरे भैया मेरा तुम्हारे साथ कोई संबंध नहीं, रिजेक्ट कर दिया। सभी देवताओं के पास गए, भाई देवताओं में मैं एक हूँ, देवताओं ने भी देखा, ब्रह्मास्त्र को देखा, जयंत दिखा, लेकिन सबसे अधिक प्रभावशाली जयंत के पीछे क्या आ रहा है वो देखकर उन्होंने भी उनको तिलांजलि दी, ऋषि मुनि गणों ने उनको तिलांजलि दे दी। जिस व्यक्ति को समाप्त करने का अधिकार था उस व्यक्ति को जीवन दान दिया। तो ये वर्णन आ रहा है ये दो श्लोकों में, श्लोक क्रमांक 34 और 35। सपित्र स परित्यक्ता सुरैश्च समहर्षिभि त्रीणि लोकान् संपरिक्रम्य तम एव शरणं गतः सतम निपतितं भूमौ शरण्य शरणागतं वदार्हमपि काकुत्स्थ कृपया पर्यपालत। तो पितरों ने, देवताओं ने, ऋषियों ने तीनों लोकों में परिक्रमा करके जब वो आए, तब जी भी कहते हैं यहाँ पर, जब किष्किंधा कांड में जब ये प्रसंग आता है कि चातुर्मास के समय सुग्रीव जी अपने उत्तरदायित्वों को भूलकर भोग विलास में लग जाते हैं, रामचंद्र जी बड़े क्रोधित हो जाते हैं और लक्ष्मण को बुलाकर कहते हैं कि भाई सुग्रीव ने कहा था कि वो संपूर्ण सेना लेकर आएंगे और संरक्षण करेंगे, लगता है भोग विलास में पूरी तरह भूल गया, सेवा भूल गया, तुरंत जाओ और उनको संदेश दो कि वो मार्ग जिससे हमने वाली को मृत्यु के द्वार भेजा था, वो मार्ग अभी भी खुला हुआ है, ये संदेश तुरंत जाके दे दो। तो लक्ष्मण ने कहा, संदेश क्यों, जाके मार ही डालता हूं। रामचंद्र का नहीं, मारो मत, केवल जाके संदेश दो। तो लक्ष्मण घनघोर क्रोध प्रकट करते हुए जब वहां पहुंचे, तो उस समय
सुग्रीव घबरा गए तो उन्होंने सबसे पहले तारा को आगे भेजा। और फिर जब हनुमान जी ने देखा कि परिस्थिति क्या है, हनुमान जी तो लक्ष्मण जी की शक्ति को जानते थे, तो हनुमान जी सुग्रीव को ये श्लोक कहते हैं कि भाई सेवा करनी थी, सेवा तो की नहीं, भोग विलास में लगे रहे, लेकिन पश्चाताप के रूप में चाहे कितना भी भोग किया हो, कितना भी पतन हुआ हो, वही भगवान के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करो, भगवान फिर स्वीकार करेंगे। ये है श्लोक क्रमांक 36। कृतापराधस्य हिते नान्यत् पश्यामि अहम् क्षमम् अन्तरेणञ्जलिं बद्ध्वा लक्ष्मणस्य प्रसादनात्। देखिए, आपने जिस प्रकार का अपराध किया है इसमें और कोई नहीं बचा सकता। एक उपाय है, दो हाथ हैं, दोनों को जोड़ो, दोनों को जोड़ोगे तो उनका एक हाथ नहीं चलेगा, तो अपना दो हाथ जोड़कर प्रणाम करो, अंतरेण अंजलिम बद्ध्वा लक्ष्मणस्य प्रसादनात्, लक्ष्मण प्रसन्न हो जाएंगे। तो हमारे पास कितने हाथ हैं? दो। उनके पास बहुत हैं लेकिन केवल संकेत मात्र से ही वो बहुत कुछ बिगाड़ सकते हैं। लेकिन जब वो देखते हैं कि हाँ भाई पश्चाताप कर रहा है, वास्तविक पश्चाताप, तो उसको देखकर वो शरणागति प्रदान करते हैं। फिर सुंदरकांड में सीता देवी रावण को कहती है कि भाई, सीता देवी किसी को नहीं छोड़ती, रावण को भी प्रचार कर रही है कि भाई आश्रय ले लो, प्रभु रामचंद्र जी शरणागत वत्सल हैं, आपको शरण अवश्य देंगे। सीता देवी कह रही है 37वें श्लोक में, मित्रम औपैकम कर्तुम रामस्थानम अरिप्सत वधम च अनिच्छत घोरम त्वयासौ पुरुष ऋषभ विदित सही धर्मज्ञ शरणागत वत्सल। देखिए, अगर आप दूसरी नहीं हो सकती, तो त्वया असौ पुरुष ऋषभ धर्मज्ञ, अरे भाई आप प्रभु रामचंद्र जी का आश्रय लो, और वो धर्म के रक्षक हैं, धर्म के ज्ञाता हैं, शरणागत वत्सल, वो जानते हैं कि जो शरण ले उनको किस प्रकार से आश्रय दें। इसीलिए मैं आपको ये चार उपाय वर्णन करना चाहती हूँ। क्या? तो सीता देवी ने कितने प्रेम से रावण को बताया, चार बातें क्या है, श्लोक क्रमांक 38। तेन मैत्री भवतु ते यदि जीवितुमिच्छसि प्रदायस्व त्वं चैनं शरणागत वत्सलम्। वत्सल हैं। और चौथा, धर्म के आधार पर अपने चरित्र को सुधारो, अगर ये करो, ये कार्य करोगे, प्रभु रामचंद्र अवश्य आश्रय देंगे। फिर विभीषण जी युद्ध कांड में वर्णन करते हैं कि जो व्यक्ति भगवान की शरणागति स्वीकार करना चाहते हैं, उस भक्त को चाहिए कि ऐसे शरणागति के विरोधी जितने तत्व हों, प्रतिकूल तत्व हों, उनका वो बहिष्कार करे, उनको त्याग दे। वॉट एवर इज अपोज टू सरेंडर वी शुड गिव इट अप। तो इसलिए यहाँ अगले श्लोक में
यही वर्णन आ रहा है श्लोक क्रमांक 40 में। सोहम परुषितस्ते न दासवच्च अवमानित त्यक्त्वा पुत्रांश्च दारांश्च राघवं शरणं गत। अरे रावण ने मुझे इस प्रकार अपमानित किया जैसे कोई मैं सामान्य नौकर हूं, और इतने कठोर शब्दों में मेरी भर्त्सना की, और मैं अपने पुत्र बांधव पत्नी इत्यादि को त्याग कर मैं प्रभु रामचंद्र जी का शरण लेना चाहता हूं। त्यक्त्वा पुत्रांश दारांश राघवम शरणम गतः, इस प्रकार ये वर्णन कर रहे हैं। फिर आगे ये वर्णन आ रहा है कि कई बार कुछ शरणागति के योग्य पात्र होते हैं और कोई शरणागति के अयोग्य पात्र होते हैं, दोनों को मिक्स नहीं। रामचंद्र जी से प्रार्थना कीजिए, समुद्र देवता से 3 दिन तक रामचंद्र लगातार प्रार्थना करते हैं लेकिन समुद्र देवता प्रकट नहीं होते, और जब समुद्र देवता प्रकट नहीं होते तब यहां पर यह वर्णन आ रहा है श्लोक क्रमांक 41। ततः सागर वेलायाम दर्भान आस्तीर्य राघव अंजलीन प्राणमुख कृत्वा प्रतिशिष्ये महोदधे बहुम्भुजग भोगभम उपाधायरि सुदन। तो प्रभु रामचंद्र वहां बहुत प्रतीक्षा करते करते परेशान हो जाते हैं, तो रामचंद्र जी की शरणागति समुद्र देवता के प्रति विफल हुई, क्योंकि जिनके प्रति उन्होंने शरणागति की समुद्र देवता, उनके अंदर शरणागति को स्वीकार करने के 2 लक्षण नहीं थे। द ओशन गॉड वॉज नाइदर कंपिटेंट नॉर नाइदर केपेबल नॉर कंपैशनेट। तो इसलिए जिनके अंदर कृपा न हो और सामर्थ्य न हो उनके आगे प्रार्थना करके कोई लाभ नहीं। तो फिर 3 दिन प्रार्थना करने के बाद रामचंद्र जी ने अपने हाथ में जब धनुष लिया तब फिर बराबर वो समझ में आए और वो प्रभु के सामने आ गए। तो इसलिए ये वर्णन किया गया है कि जो सुयोग्य व्यक्ति न हो उसके सामने शरणागत होके कोई लाभ नहीं। फिर 12वां उदाहरण देते हैं कि अगर कोई व्यक्ति सुयोग्य हो और कृपा का बहुत बड़ा सागर हो, रामचंद्र के अलावा भी दूसरा कोई व्यक्ति हो, तो भी उसका लाभ हम प्राप्त करते हैं। तो श्लोक क्रमांक 42 में हम देखते हैं कि किस तरह लंका में जब सीता देवी को कई राक्षसियां मिलकर समाप्त करने का भाव प्रकट करने लगती हैं तो त्रिजटा उठ के कहती है कि नहीं, मुझे सपने में यह प्रकट हुआ कि रावण का समाप्ति होने वाला है, रावण समाप्त होने वाले हैं, लंका समाप्त होने वाला है और रामचंद्र इनका वध करने वाले हैं, इसलिए सीता देवी रामचंद्र जी की अर्धांगनी है, इनका आश्रय लोगे तो जो जो सीता देवी की कृपा को प्राप्त करेगा उसकी जान बचेगी। तो त्रिजटा लंका में सभी राक्षसियों को यह ज्ञान देती है। तो उस समय राक्षसियों के पास चयन करने का अवसर था, वो त्रिजटा को चुप करा सकते थे, उसका बहिष्कार कर सकते थे, उनका विरोध कर सकते थे, लेकिन सारी राक्षसियों ने त्रिजटा की बात को स्वीकार कर ली, और क्योंकि उन्होंने त्रिजटा की बात को स्वीकार की, रावण का वध होने के पश्चात जब हनुमान जी आए, हनुमान जी ने सीता देवी को कहा कि मैं एक एक राक्षसियों का यहां पर बोटी बोटी काटना चाहता हूं, और मैंने विचार भी किया है किस किस का मैं हाथ काटूंगा, पैर को काटूंगा, कैसी इसकी चटनी बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। हनुमान जी बड़ा विस्तृत वर्णन करते हैं कई श्लोकों में कैसे वो आक्रमण करना चाहते हैं। सीता देवी ने उनको रोक दिया, कहा कि नहीं, ये सभी राक्षसियों ने
मेरा समर्थन किया ये त्रिजटा के कारण। तो वो एक त्रिजटा क्योंकि सीता देवी का आश्रय ली, इसलिए जितनी राक्षसियां वहां अशोक वाटिका में थीं वो सब बच गई। तो इसलिए यहां पर ये वर्णन आ रहा है श्लोक क्रमांक 44 में, देखिए 44। प्रणिपात प्रसन्नाही मैथिली जनकात्मजा अलम एष परित्रातुम रक्षस्यो महतो भयात्। तो जो मैथिली को प्रसन्न कर दे उनके सामने आश्रय लेकर, वो हर प्रकार के दूसरे भय से बच सकता है। तो फिर जो प्रभु राम का आश्रय ले उसका क्या कहने। इस प्रकार कई उदाहरणों से ये दूसरा विषय वर्णन किया गया है। पहला विषय क्या था? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र हैं। दूसरा विषय रामचंद्र जी का आश्रय लेने के लिए मार्ग है शरणागति। तीसरा विषय है कि संबंध अभिधेय फिर प्रयोजन। शरणागति का प्रयोजन क्या है? शरणागति का दो प्रयोजन है, राम प्राप्ति और राम भक्ति। और ये भी विभिन्न प्रसंगों के माध्यम से वर्णन किया जा रहा है कि ये शरणागति किस लिए? राम की प्राप्ति के लिए। तो यहाँ एक श्लोक है, श्लोक क्रमांक 45, कि लक्ष्मण जब रामचंद्र जी के साथ और सीता देवी के साथ जाना चाहते हैं, वो इसलिए नहीं कि स्वयं अपना कुछ सिद्ध कर ले, वो केवल जा रहे हैं वन में रामचंद्र जी की भक्ति करने, उनकी सेवा करने। तो ये श्लोक क्रमांक 45 में वर्णन कर रहे हैं। भवांस्तु सह वैदेह्य गिरीशानुशुरंस्यते अहम सर्वं करिष्यामि जागृत स्वप्नतश्चते। कह रहे हैं प्रभो, ये मत सोचिए कि जब आप वैदेही के साथ वन में रहोगे और आप विभिन्न स्थानों में, वनों में और गुफाओं में रहोगे, तो मैं किसी भी प्रकार से आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। मैं ऐसा नहीं कि आपके किसी भी कार्य में बाधा बनूंगा। अहम सर्वम करिष्यामि, मैं हर प्रकार का कार्य संपन्न करूंगा। जागृत स्वप्न चस्तते, चाहे जागते हुए या सोते हुए, आप भले सोते रहोगे लेकिन मैं जागता रहूंगा। तो इसलिए एक्चुअल रिजल्ट ऑफ सरेंडर टू राम इज फोर थिंग्स। जो भगवान रामचंद्र जी के शरणागति के चार मुख्य परिणाम क्या हैं? रेंडर ऑल काइंड्स ऑफ भक्ति, हर प्रकार की भक्ति करे, हर प्रकार की सेवा करे। दूसरा, हर समय एट ऑल टाइम्स। तीसरा, हर स्थान पर एट ऑल प्लेसेस। चौथा, हर परिस्थिति में इन ऑल सर्कमस्टेंसेस। इस प्रकार तो ये यहाँ वर्णन आ रहा है। तो जब राम की भक्ति करें तो राम की भक्ति, राम की शरणागति से राम की भक्ति हम प्राप्त करते हैं। इस प्रकार ये बड़ा ही महत्वपूर्ण सिद्धांत यहाँ पर स्थापित किया जा रहा है। तो आचार्यगण बताते हैं कि जब रामचंद्र जी ने समुद्र देवता के सामने आग्रह किया तो वो शरणागति इसलिए विफल हुई, उसके दो कारण हैं। पहला, विभीषण ने कहा था रामचंद्र जी को, आप इनका आश्रय लो, लेकिन रामचंद्र जी के मन में निस्सहाय भावना नहीं थी। ही डिड नॉट हैव द एटीट्यूड ऑफ हेल्पलेसनेस, क्योंकि रामचंद्र जी जानते थे ये भी तो एक देवता है। तो रामचंद्र जी पूरे निस्सहाय भाव में प्रार्थना नहीं किए। और दूसरा, रामचंद्र जी समुद्र देवता से प्रार्थना करते हुए मन में पहले ही
अपना दूसरा ऑल्टरनेटिव ऑप्शन क्या होगा वो सोच के प्रार्थना कर रहे थे कि अगर ये नहीं माना तो सबक सिखाऊंगा। तो इस तरह दूसरा कोई अगर भाव रखते हुए अगर हम शरणागति करेंगे तो भी उसका पूरा फल प्राप्त नहीं होगा। इस तरह से तो इसलिए यहां वर्णन किया जा रहा है, एक बहुत सुंदर श्लोक आता है जो वर्णन आ रहा है कि श्री रामायणम दीर्घ शरणागति, श्री रामायणम दीर्घ शरणागति। रामायण इज एन इलैबोरेट एक्सपोजिशन ऑन द प्रोसेस ऑफ सरेंडर। पूरा रामायण क्या है, शरणागति का एक दीर्घ वर्णन है इस तरह से। और संपूर्ण रामायण में इस शरणागति के विषय में ही वर्णन किया गया है। एवरीथिंग एल्स इज ब्रॉट आउट इन द स्क्रिप्चर टू ब्रिंग आउट दिस टीचिंग ऑफ सरेंडर, और कुछ नहीं। तीसरा सिद्धांत है कि जब हम प्रभु रामचंद्र जी का आश्रय लें और शरणागत हों तो फिर उसका प्रभाव क्या है, उसका फल क्या है, राम की प्राप्ति और राम की भक्ति। चौथा टॉपिक है श्लोक क्रमांक 51 देखिए। जब सुग्रीव और सभी वानरों के सामने विभीषण आते हैं, विभीषण की शरणागति रामचंद्र जी के चरणों में सुग्रीव और वानरों के माध्यम से संपन्न होती है, क्योंकि रामचंद्र जी सुग्रीव और हनुमान जी और सब वानरों को पूछते हैं ये खड़ा हुआ है क्या करें। तो इसलिए यहां पर वो कह रहे हैं श्लोक क्रमांक 51 में, सर्वलोक शरण्याय राघवाय महात्मने निवेदयतमाम क्षिप्रम विभीषणमुपस्थितम्। विभीषण वानरों को कह रहे हैं आप जाके संदेश दो, ये नहीं कह रहे कि मैं संदेश दूंगा, आप जाके रामचंद्र जी को संदेश दो कि सभी लोगों को शरण देने वाले वो राम माम क्षिप्रम शीघ्र अति शीघ्र मुझे आश्रय दें, क्योंकि ये भक्ति करने की इच्छा की चिंगारी कब प्रज्वलित हो और कब पूरी तरह समाप्त हो जाए इसकी भविष्यवाणी करना बड़ा कठिन है। आज भक्ति करने के बड़े मूड में है, कल क्या होगा कुछ भरोसा नहीं। इसलिए हम अभी शरणागति लेने के भाव में हैं, तुरंत जाओ, कोई देर कर दो तो पहले असुर हूं, शायद लौट के मैं रावण के पास न चला जाऊं। निवेदयत माम क्षिप्रम विभीषणम उपस्थितम। इसलिए जब तक मध्यस्थ न हो भगवान उसे स्वीकार नहीं करते। इसलिए आगे कहते हैं श्लोक क्रमांक 52 में, आनयनम हरिश्रेष्ठ दत्तमस्या भयम मया विभीषणो वा सुग्रीव यदि वा रावण स्वयं। तो कहते हैं कि अरे सुग्रीव आप इस विभीषण की क्या चिंता करते हो, कोई भी व्यक्ति मेरा आश्रय लेने के लिए आए और आप लोगों के माध्यम से आए, चाहे विभीषण हो, आप हो, रावण हो, कोई भी हो, उसको लाओ, हम उसको शरणागति अवश्य प्रदान करेंगे। तो इसलिए यह है चौथा टॉपिक कि जब तक वैष्णव कृपा न हो शरणागति संपन्न नहीं हो सकती। पांचवी शिक्षा, पांचवी छठी और सातवीं शिक्षा सेवकों के भाव के संबंध में है। पांचवी शिक्षा, सेवकों का पहला भाव क्या होना चाहिए, सेवा भाव, वो है लक्ष्मण के माध्यम से। यह वर्णन आ रहा है श्लोक क्रमांक 53, अहम अस्या वरो भ्राता गुणैर्दास्यमुपागत कृतज्ञस्य बहुज्ञस्य लक्ष्मणो नाम नामत। तो किष्किंधा कांड में
लक्ष्मण जब हनुमान जी को प्रथम बार मिलते हैं तो अपना परिचय दे रहे हैं, इंट्रोडक्शन, कैसे, अहम अस्यावरो भ्राता गुणैर दास्यम उपागत, मेरे भाई सर्वगुण संपन्न है, मैं उनका केवल दास्य हूँ, कृतज्ञस्य बहुज्ञस्य, और ये मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है, मैं कृतज्ञ हूँ कि वो मुझे दास के रूप में स्वीकार किए हैं, नाम मेरा है लक्ष्मण, लक्ष्मण के रूप में मैं जाना गया हूँ, और क्योंकि हाँ मैं उनका दास क्यों बना हूँ ये वर्णन कर रहे हैं, कैप्टिवेटेड बाई हिज क्वालिटीज आई हैव बिकम हिज सर्वेंट, मैं उनका सेवक क्यों बना, उनके दो गुणों को देखकर, पहला कृतज्ञस्य, वो बड़े कृतज्ञ हैं, कोई भी सेवा करे बड़े कृतज्ञ हो जाते हैं, दूसरा बहुज्ञस्य, अगर सेवक छोटा भी कोई सेवा करे प्रभु रामचंद्र जी को उसको बड़ा चढ़ा के स्वीकार करते हैं, क्या सेवा की तुमने, बहुज्ञस्य अर्थात कंसिडर्स लिटिल एक्ट ऑफ सर्विस टू बी ग्रेट, इस प्रकार लक्ष्मण सेवा भाव के प्रतीक हैं, ये पांचवा विषय। छठा विषय भरत महाराज भगवत आश्रय के प्रतीक हैं, डिपेंडेंस, यहां ये वर्णन आ रहा है 55वें श्लोक में, विललाप सभा मध्ये जगर्हे च पुरोहितम्। तो जब भरत महाराज को ये घोषित किया गया कि भाई अब आपको दशरथ महाराज के बाद राज तिलक करके आपको राजा बनाएंगे, सम्राट बनाएंगे, तो भरत महाराज उच्च स्वर में रोने लगे, चिल्लाने लगे, विललाप सभा मध्ये, और फिर उन्होंने वशिष्ठ महाराज को देखकर कहा चोर कहीं के, तो वशिष्ठ ऋषि घबरा गए, बोले यार चोर बोल क्या हो गया, पागल हो गया, इतना बड़ा अपराध, सबके सामने मुझे तो चोर कह रहे हो। तो भरत महाराज कहते हैं अरे भाई किसी की संपत्ति कोई दूसरा व्यक्ति ले जाए तो उसे चोर ही तो कहेंगे ना, राम की भक्ति राम की सेवा मेरी एकमात्र संपत्ति है, मुझे राजा बना दोगे तो उनकी मैं सेवा कैसे करूंगा, तो सेवा रूपी संपत्ति को तुम जब हड़प लोगे तो चोर ही तो बने। तो इस प्रकार भरत महाराज निरंतर भगवान पर आश्रित रहना चाहते हैं, डिपेंडेंसी ऑन द लॉर्ड। तो वो कह रहे हैं कि मैं और ये अयोध्या साम्राज्य दोनों राम पर आश्रित हैं, इसलिए एक संपत्ति दूसरे संपत्ति के ऊपर हावी नहीं हो सकता, मकान मालिक मकान के ऊपर आश्रय अपना अधिकार जमा सकता है, एक मकान दूसरे मकान पे थोड़ी अपना अधिकार जता सकता है। तो जैसे अयोध्या राम की संपत्ति है, मैं भी राम की संपत्ति हूँ, एक संपत्ति और दूसरे संपत्ति दोनों आपस में इस प्रकार संबंध नहीं स्थापित कर सकते। सातवां शिक्षा है वैष्णव आश्रय अर्थात डिपेंडेंस ऑन प्योर डिवोटीज। तो भगवत आश्रय, उसके बाद वैष्णव आश्रय, और ये कौन प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, शत्रुघ्न। श्लोक क्रमांक 57, गच्छताम मातुलकुलम भरतेन तदानघ शत्रुघ्न नित्य शत्रुघ्न नीत प्रीति पुरस्कृत। शत्रुघ्न अर्थात उन्होंने अहंकार रूपी शत्रु का दमन किया, और अहंकार का जब दमन किया तब जाकर निश्रद्धा को बनाए रखा। क्यों? क्योंकि उनके हृदय में केवल यही भाव था कि मैं भरत महाराज का सेवक हूं, चाहे दुनिया भरत महाराज को कुछ भी बोले, तो इसलिए उनका दास्य भाव कायम था। तो इसलिए डिपेंडेंस ऑन द प्योर डिवोटीज। आठवीं शिक्षा, इसको कहते हैं अर्थ पंचकम। अर्थ पंचकम यहां पर 98वें श्लोक में वर्णन है, प्राप्यस्य ब्रह्मणो रूपम प्राप्तुश्च प्रत्यगात्मनः प्राप्ति उपायम फलम प्राप्तेः तथा प्राप्ति विरोधी च
वदन्ति सकल वेद सेतिहास पुराणक मुनयश्च महात्मानो वेद वेदांग पारग। तो ये अर्थ पंचक क्या है? फाइव सब्जेक्ट मैटर्स, अ पर्सन एलिजिबल टू सरेंडर टू अटेन लिबरेशन इन फॉर्म ऑफ अहैतुकी अप्रतिहता भक्ति मस्ट नो दीज फाइव सब्जेक्ट्स। क्या है? पहला, भगवान कौन है, अर्थात प्राप्यस्य ब्रह्मणो रूपम। चौथा, प्राप्तेस फलम, और शरणागति का फल क्या है? विभीषण ने प्रकट किया। और पांचवा, तथा प्राप्ति विरोधी च, इस भक्ति के मार्ग में विरोधी तत्व क्या है? रावण ने इसको प्रकट किया। तो ये सब विभिन्न प्रकार से हम देखते हैं कि भक्ति में भगवान, आत्मा, भक्ति, प्रेम और इन सब चारों के समन्वय में जो विरोधी तत्वों को कहा जाता है अनर्थ। ये जो चार तत्वों का विरोध करे, भगवान, आत्मा, भक्ति और प्रेम का जो विरोध करे, उसे कहते हैं अनर्थ। इसलिए इन पांचों को समझने को कहते हैं अर्थ पंचकम। नवा विषय है शरणागति भाव। शरणागति भाव क्या होना चाहिए? शरणागति का दो भाव होना चाहिए, यह है नवा टॉपिक। दो भाव क्या होने चाहिए? अकिंचनत्वम, आई एम हेल्पलेस। दूसरा, अनन्य गतित्वम, आई एम एक्सक्लूसिवली डिपेंडेंट, मेरी दूसरी कोई गति नहीं। तो अकंचनत्वम और अनन्य गतित्वम, ये शरणागत टॉपिक में भगवान वर्णन करना चाहते हैं कि अपने जीवन में विभिन्न प्रकार के जो संबंध हैं उनको अपने संरक्षक के रूप में स्वीकार करना निरर्थक है। जैसे देवताएं हमारी रक्षा करेंगे, ये सोचना निरर्थक है, क्योंकि शिवजी, ब्रह्मा जी रावण को बचा नहीं पाए। पिता हमारी रक्षा करेंगे, सोचना निरर्थक है, क्योंकि दशरथ रक्षा नहीं कर पाए। माता हमारी रक्षा कर पाएगी, सोचना निरर्थक है, कैकेयी के चरित्र के माध्यम से। भाई, बांधव इत्यादि रक्षा करेंगे और पुत्र रक्षा करेंगे, ये सोचना निरर्थक है, विभीषण और इंद्रजीत के उदाहरण से। तो ये शरणागति भाव नवा हमारा टॉपिक है। दसवां टॉपिक, दसवां विषय, गुरुपादाश्रय। किसी व्यक्ति को शरणागति स्वीकार करनी हो तो उसके लिए गुरु के मुख से वो ज्ञान स्वीकार करना आवश्यक है। ये जब संदेश, शरणागति का संदेश गुरु दें, तब वो सफल होती है। और ये हनुमान जी जब संदेश लेके सीता देवी को देते हैं, ये इसका प्रतीक है। ग्यारहवां विषय है संकल्प। भक्ति को सिद्ध करने के लिए क्या चाहिए? संकल्प, उत्साह, निश्चयात, धैर्यात। वन शुड एंगेज इन भक्ति विथ फुल सरेंडर ऑन अ डेली बेसिस एंड वेट फॉर द टाइम टिल द बॉडी फॉल्स डेड। अंत तक ये कार्य करते रहें। तो इसलिए यहां पर श्लोक क्रमांक 60, प्रायेण अकृतकृत्यस् प्रायेण कृतकृत्यस्तु मृत्योर उद्विजते जनः कृतकृत्य प्रतीक्षन्ते मृत्युं प्रियम इवातिथिम। बड़ा सुंदर श्लोक ये वर्णन किया गया है। प्रायेण अकृतकृत्यश्च, जिन्होंने जीवन में कभी भक्ति नहीं की, भगवान का नाम नहीं लिया, मृत्योर उद्विजते जना, वो मृत्यु से कंपित हो जाते हैं। मृत्यु का भाव जब विचार आता है तो घबरा जाते हैं। लेकिन कृतकृत्याह, जिन्होंने भक्ति की, साधना की, प्रतिदिन नाम लिया है, भगवान की सेवा पूजा की है, प्रतीक्षन्ते मृत्यु, वो मृत्यु की इस प्रकार प्रतीक्षा करते हैं जैसे प्रियम इवातिथिम, जैसे प्रिया प्रीतम को अपने भुजाओं में आलिंगन करने के लिए प्रतीक्षा करती है, वैसे जीवन भर साधना किया हुआ भक्त मृत्यु की प्रतीक्षा करता है। तो इस तरह संकल्प करते हुए भक्ति करनी चाहिए, चाहे भक्ति के फल हमें क्षण क्षण
प्रकट हो अथवा न हो, इस भाव में भक्ति करती रहनी चाहिए। इसके लिए संकल्प की आवश्यकता है, ठीक है। फिर 12वां विषय, हाँ, इसलिए यहाँ वर्णन करते हैं, लंका शरीर का प्रतीक है, रावण मन का प्रतीक है, उसके 10 सर, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्र के प्रतीक हैं, इंद्रजीत इत्यादि काम क्रोध के प्रतीक हैं, विभीषण बुद्धि के प्रतीक है, सीता जैसे ही ध्यान भटका भौतिक मन ने उसे शरीर रूपी लंका में बंद कर दिया, सीता देवी जीवात्मा की प्रतीक है जो भगवान से अलग हो जाए, हनुमान जी गुरु के प्रतीक हैं, वानर सेना वैष्णव सेना के प्रतीक हैं, जब गुरु और वैष्णव जाकर किसी जीव को ज्ञान दे रामचंद्र के विषय में बताए, तब जाकर वो जीव फिर रामचंद्र जी की सेवा में पुनर्स्थापित हो सकता है। इसलिए प्रभु रामचंद्र जी पूरी तरह सुग्रीवम शरणम गतः, सुग्रीव के ऊपर आश्रित थे। भगवान इस जगत में वैष्णवों को अधिकार दिए कि जब तक आप अपने मुख से दूसरे जीवों को ज्ञान देकर मेरी महिमा नहीं समझाओगे, उनके हृदय में श्रद्धा उत्पन्न होने नहीं दूंगा। तो इसलिए वैष्णवों को पूरा अधिकार दिया गया है, मोनोपोली दिया गया है भक्ति की श्रद्धा के वितरण करने की। 12वां विषय है कर्म प्रवर्तन अर्थात अनुसरण। 12वां विषय यह है कि अनुसरण करना हो जीवन में, राम और उनके अनुयायियों का अनुसरण करो और रावण और उनके अनुयायियों का अनुसरण मत करो। ये 12वां विषय है कि ऐसा शरणागति में अग्रसर होने वाले भक्त को चाहिए कि वो किसका अनुगमन करे, रामचंद्र और उनके अनुयायियों का। 13वां विषय है अगर निवास करना हो तो धाम में निवास करो जहाँ भगवान स्वयं अपने विग्रह के स्वरूप में हो, और ऐसा व्यक्ति जैसे कौशल प्रदेश के अयोध्या निवासी रामचंद्र जी के साथ निवास किए, उनके जीवन में हर प्रकार से शुभ उत्पन्न हुआ। रेसिडेंस शुड बी वेयर द लॉर्ड इज द सेंटर। 14th टॉपिक, 14वां विषय है कि परस्परानुकथनम बोधयंत परस्परम। ये रामायण प्रसंग क्यों बतलाया गया है, रामचंद्र की शिक्षा और लीलाएं क्यों प्रकट की गई हैं, जिससे हम दिन रात रामायण की चर्चा कर सकें और हम एक दूसरे के साथ रामायण के विषय में रामचंद्र जी के चरित्र का वर्णन करते हुए हम एक दूसरे के हृदय में रामचंद्र के प्रति श्रद्धा का विकास कर सकें। श्लोक क्रमांक 62। श्रीमन नारायण चरणौ शरणम प्रपद्ये, श्रीमते नारायणाय नमः। तो ये 7 स्कंद रामायण के इस श्लोक का प्रतीक है। बालकांड श्रीमान शब्द का प्रतीक है अर्थात श्री के पति। अयोध्या कांड नारायण का प्रतीक है क्योंकि उसमें रामचंद्र जी के शुभ गुणों का वर्णन है। अयोध्या कांड के बाद अरण्य कांड चरणों का प्रतीक है। अरण्य कांड में प्रभु रामचंद्र जी उनके सौंदर्य का वर्णन है, उनके सुंदर स्वरूप का वर्णन है दंडकारण्य में। इसलिए उनके सुंदर चरण कमल के प्रति सेवा जागृत होती है उनके सौंदर्य और उनके गुणों को जानकर, इसलिए चरणों का प्रतीक है अरण्य कांड। फिर किष्किंधा कांड और सुंदर कांड शरणम शब्द का प्रतीक है। शरणम अर्थात जो आश्रय दे। प्रपद्ये युद्ध कांड में मैं शरणागत होता हूं और जो शरणागत नहीं होते जैसे रावण उसका क्या होता है, तो ये प्रपद्ये का प्रतीक है। नारायणाय नमः, मैं नारायण के पति श्री के पति नारायण के चरणों में पूरी तरह प्रणाम करता हूँ।
रिजल्ट ऑफ लिबरेशन इज अहेतुकी अप्रतिहता भक्ति। पंद्रहवां विषय है रामायण गायत्री मंत्र का अर्थ वर्णन करता है। जैसे गायत्री मंत्र से अपेक्षा की जाती है कि साधक गायत्री मंत्र प्रतिदिन वाचन करे, इसलिए जैसे भागवत के आरंभ में गायत्री आ जाती है धीमही, वैसे ही रामायण में भी गायत्री को जब नियोजित किया जाता है वो साधक को प्रेरणा देने की दिन प्रतिदिन इसके संपर्क में रहो गायत्री मंत्र की तरह, ऐसा नहीं कि केवल रामनवमी के समय ही। तो इसलिए प्रतिदिन आप इनके संपर्क में रहो। इन ऑर्डर टू पॉइंट आउट दैट सच अ पर्सन एलिजिबल टू सरेंडर इज मेंट टू रिसाइट रामायण रेगुलरली लाइक द गायत्री, मीनिंग ऑफ गायत्री इज एक्सप्लेन। तो बालकांड तत्सवितुर का प्रतीक है, भगवान के गुण का वर्णन आ रहा है जो इस ब्रह्मांड के नायक हैं। अयोध्या कांड और किष्किंधा कांड, वरेण्यम जो गायत्री मंत्र में वरेण्यम आता है, भगवान के विभिन्न शुभ जो चरित्रों का वर्णन इसमें आ रहा है इसलिए इसका प्रतीक है। अरण्य कांड भर्गह शब्द का प्रतीक है, अर्थात भगवान विभिन्न प्रकार की शक्तियों से और ऐश्वर्य से अभिभूत हैं। सुंदर कांड देवस्य शब्द का प्रतीक है क्योंकि उनके दिव्य शरीर का वर्णन है। धीमही युद्ध कांड का प्रतीक है और प्रचोदयात उत्तर कांड का प्रतीक है। तो संपूर्ण रामायण जो है गायत्री मंत्र का अर्थ है, 24,000 श्लोक हैं। तो अगर आप रामायण पढ़ोगे तो हर 1,000 श्लोक के बाद जो गायत्री मंत्र में 24 अक्षर हैं, हर 1,000 श्लोक के बाद जो अक्षर आता है वो गायत्री मंत्र का एक एक अक्षर है। तो एवरी 1,000th सिलेबल इफ यू कनेक्ट ऑफ रामायण यू विल गेट द फुल गायत्री मंत्र। तो इस तरह गायत्री मंत्र का यहाँ पर अर्थ, ये 15th टॉपिक है, 15वां विषय। 16वां विषय है नास्तिकता खंडन। जब भरत महाराज रामचंद्र को चित्रकूट से लौटाने के लिए बहुत प्रयत्न कर रहे थे, जब विफल हो रहे थे तो बाकी ऋषि मुनियों को कहा, तो तब जावाली इत्यादि जो है नास्तिकवाद का प्रचार करने लगे। जैसे कृष्ण भी गोवर्धन लीला में कुछ नास्तिकवाद का प्रचार किया रामचंद्र को लेके आने के लिए, अरे क्या रखा है, ये क्या है, वो क्या है, भोग ही तो सब कुछ है, जवानी में भोग नहीं करोगे तो कब करोगे, चलो चलो, इस तरह। तो ये सब उसका खंडन करने के लिए, मायावाद केवल अद्वैतवाद नास्तिकवाद का खंडन करने, कई कई इस प्रकार के प्रसंग रामायण में आए हैं, ये 16वां विषय है। 17वां विषय रामायण का है वैराग्य, कि बड़े से बड़े शक्तिशाली से शक्तिशाली व्यक्ति भी इस जगत में हर प्रकार के परेशानी झेलेंगे और ये भौतिक जगत सुखालय नहीं दुखालय है। राम और लक्ष्मण के ऊपर नागपाश का प्रकोप हुआ, रामचंद्र जी राजा बनने के, राजपुत्र बनने के एक दिन पूर्व ही वनवास के लिए घोषित किए गए, अर्थात अनिश्चितता, हर प्रकार की समस्या। हनुमान जी के ऊपर ब्रह्मास्त्र का आक्रमण हुआ, सीता देवी का हरण हुआ, अर्थात इस जगत में अनिश्चितता, अनिष्ट, हर प्रकार की समस्या आएगी। लेकिन ये भौतिक जगत के बाधाओं को, बंधनों को, आक्रमणों को देखकर निराश न हो, मन में ये आशा जागृत हो कि इस भौतिक जगत से कैसे निकले। तो इसलिए जब भौतिक शक्ति जब आपको धक्का मारे तो ये ना सोचो कि आपको धरती पर भौतिक जगत, भौतिक शक्ति धक्का मार रही है, सोचो कि भगवत धाम की ओर आपको लात मार रही है। तो इसलिए दृष्टिकोण को बदलो, और इसलिए ये वैराग्य का सार है। और 18वां जो टॉपिक है, विषय है, वो क्या कि रामायण में अलग अलग प्रसंगों के माध्यम से वेदांग का भी ज्ञान दिया गया है। जब हनुमान जी अपना परिचय देते हैं तो
शिक्षा, व्याकरण इत्यादि के विषय में उसमें ज्ञान प्राप्त होता है। तो कई वेदांग जो हैं, जो वेदों के दूसरे जैसे शिक्षा, ज्योतिष, व्याकरण इत्यादि इत्यादि, इसका भी अलग अलग जगह झलक दिया गया है, जिससे कि सभी वेदों का सार हम इस रामायण के अंदर अलग अलग प्रसंगों में देख सकें, समझ सकें। तो इस प्रकार ये 18 विषय संपूर्ण रामायण में दिया गया है। पहला संबंध ज्ञान भगवान राम, दूसरा अभिधेय ज्ञान शरणागति, तीसरा प्रयोजन राम प्राप्ति राम भक्ति, चौथा वैष्णव कृपा, जब वैष्णव कृपा होगी तभी क्षमा संभव है, चौथा पांचवा वैष्णव गुण अर्थात सेवा भाव, छठा वैष्णव गुण जो कि आश्रय या अवलंबन, भगवत आश्रय भगवत अवलंबन, सातवां वैष्णव गुण वैष्णव आश्रय या भागवत आश्रय शत्रुघ्न के माध्यम से, आठवां अर्थ पंचकम प्राप्त प्राप्तु प्राप्ति उपाय प्राप्ते फल प्राप्त विरोधी, नौवां शरणागति भाव अकिंचनत्वम अनन्य गतित्वम, दसवां गुरु आदेश, ग्यारहवां आजीवन संकल्प, बारहवां रामचरित अनुसरण, तेरहवां धामवास, चौदहवां बोधयंत परस्परम, पंद्रहवां गायत्री का अर्थ, सोलहवां नास्तिकवाद खंडन, सत्रहवां वैराग्य और अठारहवां वेदांग का ज्ञान। तो ये 18 विषय संक्षेप में श्रीपाद शैलापूर्ण ने श्रीपाद रामानुजाचार्य को सुनाया, और इसके आधार पर बालकांड के 5वें अध्याय के जो टीका में श्री गोविंदाचार्य ने इसका वर्णन किया। तो आगामी कई दिनों तक जो रामायण पर कथा होगी, इस कथा को सुनते हुए इस पार्श्वभूमि के साथ हम लोग स्मरण कर सकते हैं, रामचंद्र जी के चरित्र के और रामचंद्र जी के गुणों को हम मनन कर सकते हैं और हृदय में परिवर्तन ला सकते हैं। तो ये रूपानुगा विद्यापीठ और रूपानुगा पब्लिकेशंस करके हैं, तो श्री हिज ग्रेस विद्वान गौरांग प्रभु और उनके टीम ने रामायण को अनुवाद किया और अभी ये अवेलेबल है, और इस ग्रंथ से ये सारे पॉइंट्स मैंने लिए हैं। और जो लोग इच्छुक हों इसको ऑर्डर करने के, वो लोग उनके वेबसाइट पे जा सकते हैं और उस रामायण को, जो कि बालकांड का पूरा अनुवाद अभी तक हुआ है और धीरे धीरे श्लोक अनुवाद तात्पर्य, जैसे भागवत का अनुवाद हुआ है उसी प्रकार उसी शैली में बड़ा सुंदर अनुवाद और कोटेशंस वगैरह दिया हुआ है। तो जो लोग, जो भक्तगण रामायण को और गहन रूप से अध्ययन करना चाहें, वो लोग इस पब्लिकेशंस में जाकर अपना किताब ऑर्डर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।